लास्ट क्लास में मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी स्टार्ट की थी, जहां पे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि अगर हमारे पास में कभी भी एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस है, लाइक ये हमारे पास में दो एक्सप्रेशंस है, जब भी हमें दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करना होता है, तो हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। अब इसमें भी सबसे फर्स्ट कैटेगरी दैट इज लॉजिकल एंड का बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे हमारे पास भी सिचुएशन क्या होती है, कभी भी हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है, दो वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए बिकॉज इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे ये करता क्या है, अगर हमने जिन दो वैल्यूज को काम में लिया है अगर वो दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं, एंड का मतलब क्या होता है, ए एंड बी, यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए, तो अगर दोनों चीजें ट्रू हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा यानी कि वन रिटर्न करेगा, और अगर किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू जीरो है या दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फॉल्स है, तो उस केस में हमारे सारे आंसर फॉल्स आते हैं। तो लॉजिकल एंड सिर्फ एक सिचुएशन में ट्रू रिटर्न करता है, और वो तब होगा जब दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास में ट्रू होते हैं, बाकी सारे केसेस में हमारे पास में फॉल्स आता है। तो ये लॉजिकल एंड की बेसिक फंक्शनैलिटी थी। अब यहाँ पे हम इन ऑपरेटर्स को कब काम में लेते हैं, देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख के लॉजिकल एंड को काम में लिया है, इस तरीके से सिंपल वैल्यूज लिख के कभी भी काम नहीं करवाया जाता। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस होंगी, एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी। कंडीशंस का मतलब मान लीजिए क्या, अभी फेस्टिव सीजन ही चल रहा है, उसमें तो मानना क्या है, वो तो हो ही रहा है। देखिए फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली आ रहा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ बोनस प्रोवाइड करते हैं, ईयरली बोनस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो ओनर है, जो बॉस है, उसने ये कहा कि सबको इक्वल बोनस नहीं देना है, डिपेंडिंग अपॉन द सैलरी एंड द एक्सपीरियंस मैं बोनस प्रोवाइड करूंगा। मतलब क्या है, जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है या 30,000 के बराबर है, ठीक है, और साथ साथ में उसका एक्सपीरियंस भी 3 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आपको 10% बोनस प्रोवाइड करवाना है, वरना आपको सिर्फ 3% बोनस मिलेगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी कम है और आपका एक्सपीरियंस भी कम है। तो सैलरी भी ज्यादा हो और एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो, दोनों चीजें हमारे पास में सही होनी चाहिए, तभी हम आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके की जब हमारे पास में कुछ सिचुएशंस होती हैं, मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, तो उन सबको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब किसी का एक्सपीरियंस तो 3 साल या उससे ज्यादा है, लेकिन सैलरी सिर्फ 25,000 ही है, तो वो तो हमारे सिचुएशन के अंदर फॉल नहीं करता, वो तो 3% के बोनस के अंदर फॉल करता है। तो जब पहला पार्ट भी ट्रू होगा और दूसरा पार्ट भी ट्रू होगा, तब जाके हमारे पास में जो क्यूमुलेटिव आंसर आएगा वो 1 आएगा, और जो एम्प्लॉयज इस सिचुएशन को फुलफिल करते हैं सिर्फ उन्हें ही बोनस प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके की जब हमारे पास में कंडीशन सिचुएशन होती है, तब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को काम में लेते हैं, ठीक है। एक और सिचुएशन मान लेते हैं, देखिए अभी आप सब लोग स्टूडेंट फेस में हो, पहले जब स्कूल्स में होंगे तो हो सकता है कुछ लोगों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाया। अब लर्निंग लाइसेंस का मतलब क्या है, हम जब हमारी एज 18 से छोटी है सिर्फ तब तक काम में आता है, जैसे ही हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं हमारा परमानेंट लाइसेंस बन जाता है। तो यहाँ पे जिसकी भी एज 16 या 16 से बराबर है, साथ साथ में उसकी एज 18 से कम भी है, तो यहाँ पे हमारे पास में दो सिचुएशन है। दो सिचुएशन क्यों है, क्योंकि मुझे एक रेंज फॉर्म करनी है, 16 से 17 तक की जो एज है सिर्फ उन्हें ही मुझे लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड करवाना है, 18 या उससे बड़े हो तो परमानेंट लाइसेंस बनेगा आपका। तो हमारे पास में यहाँ पे एक और सिचुएशन, या तो एज 16 या उससे बराबर हो, साथ साथ में या फिर 18 से लेस देन हो, ठीक है। जब इस तरीके की सिचुएशंस है, अब मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, तो मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए मैंने लॉजिकल एंड को काम में लिया है। तो इसी तरीके की जब हमारे पास में मल्टीपल सिचुएशंस होती है, तो उन्हें कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल एंड को काम में लेते हैं। आगे जाके हम जब प्रोग्राम्स और कंस्ट्रक्ट और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तब वहां पे एंड और का यूसेज आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी हमारे पास में मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं, तो उन्हें कंबाइन करने के लिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जैसे ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं।
अब लॉजिकल एंड क्या करेगा, दोनों सिचुएशंस ट्रू हैं तो ट्रू देगा, वरना सारे केसेस में ये फॉल्स दे देगा. सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर. अब किसी को किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है, देन प्लीज रेज हैंड. सबको समझ में आ गया एक बार में ही, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? ऑलराइट, देन लेट्स मूव विद द नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है हमारे पास में लॉजिकल और कैटेगरी. अब देखिए, लॉजिकल और जो है उसकी वर्किंग ऑफ कोर्स एंड से डिफरेंट है. सिमिलैरिटी क्या है, ये भी बुलियन टाइप की हमारे पास में वैल्यूज को कंसिडर करता है, और ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही है हमारा. यानी कि जब भी हम वैल्यूज पे लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का ट्राई करवाएंगे, तो कम से कम दो वैल्यूज वहां पे प्रेजेंट होने ही चाहिए. अब यहाँ पे भी इसका ट्रुथ टेबल है. क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, आपको ज्यादा बेटर क्लियरली हो जाएगा. देखिए, यहाँ पे लॉजिकल और क्या कहता है, अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यूज को कंसिडर किया है जो दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, ट्रू होने का मतलब क्या है, हमने नॉन जीरो वैल्यूज को काम में लिया है, किसी भी तरीके का पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर कैरेक्टर जैसी वैल्यूज को जब हम काम में लेते हैं, दोज आर नोन एज नॉन जीरो वैल्यूज. तो जब भी हमने नॉन जीरो वैल्यूज को यूज करके लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी कि दोनों वैल्यूज हमारे पास में ट्रू हैं, तो उस केस में हमारा आंसर ट्रू आता है. ये तो बिल्कुल सिमिलैरिटी हो गई एंड के केस में. डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस तब आता है जब हमारे पास में दो ऑपरेंड्स हैं और दोनों में से कोई एक ऑपरेंड फॉल्स है और एक ऑपरेंड ट्रू है. तो एंड क्या कहता है, एंड तो ये कहता है दोनों चीजें ट्रू होंगी तब जाके ट्रू आंसर रिटर्न करेंगे. लेकिन लॉजिकल और ये कहता है कि चाहे आपकी एक वैल्यू ट्रू हो चाहे आपकी दोनों वैल्यू ट्रू हो, हम यहाँ पे ट्रू आंसर ही रिटर्न करते हैं. और का मतलब क्या होता है, चॉइसेस. आप लोगों ने एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे ना, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 10-15 मार्क्स के, उसमें और लिखा हुआ होता है, दोनों में से कुछ भी एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है. तो एग्जैक्टली में वही कंसेप्ट है. और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो या फिर दोनों वैल्यू ट्रू हो, तो हमें हमारे पास में यहाँ पे वन एज अ आउटपुट रिटर्न होता है. अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारे पास में ट्रू है, यानी कि वन और वन है, तो भी हमारे पास में आंसर वन आएगा. पहला ऑपरेंड अगर मेरा ट्रू है और सेकंड ऑपरेंड मेरा फॉल्स है, जैसे कि ये हमारी एक्सप्रेशन, तो उस केस में भी हमारा जो आंसर है वो वन ही आएगा. अब इसी का ही रिवर्स कर लेते हैं, पहला ऑपरेंड फॉल्स कर दिया है और सेकंड ऑपरेंड हमने ट्रू कर दिया है, लेकिन और तो ये कह रहा है दोनों में से कोई भी ट्रू हो चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड, तो हम आंसर वन ही रिटर्न करेंगे. तो थर्ड केस में भी हमारे पास में रिजल्ट वन ही आता है. एक ऑपरेंड फॉल्स है तो क्या हुआ, दूसरा ऑपरेंड तो हमारे पास में ट्रू है, तो यहाँ पे भी ट्रू ही आएगा. सिर्फ और के केस में फॉल्स आंसर हमारे पास में तब आता है जब दोनों वैल्यूज हमारे पास में फॉल्स होती हैं, यानी कि जीरो होती है. तो यहाँ पे एंड सिर्फ एक सिचुएशन में ट्रू देता है और सिर्फ एक सिचुएशन में फॉल्स रिटर्न करता है, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती है. अब और की एंड की ही तरह और का भी कंसेप्ट, हम सिंपली वैल्यूज को यूज करके कभी भी लॉजिकल और या एंड को अप्लाई नहीं करते हैं. मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगी, उनके अंदर हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सैलरी 30,000 से ज्यादा हो और एक्सपीरियंस भी 3 साल से ज्यादा हो, दोनों चीजें हो तो बोनस. अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो बॉस है उसने थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी, या तो आपका एक्सपीरियंस 3 साल या उससे ज्यादा हो या फिर आपकी सैलरी 30,000 और उससे ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी चीज सही हो तो आपको 10% बोनस. अब आपकी सैलरी भी 25,000 है और आपका एक्सपीरियंस भी सिर्फ एक ही साल है और आप कह रहे हो सबसे ज्यादा बोनस आपको मिलेगा, तो ऐसा थोड़े ही हो सकता है. या तो आपकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन और 3 के बराबर या उससे ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी वैल्यू ट्रू हो या दोनों वैल्यूज ट्रू हो, तो हम आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे. तो जब भी हमारे पास में दोनों सिचुएशंस में ऑप्शन है, चॉइस है हमारे पास में कि कोई भी एक सही हो सकता है, दूसरा भले ही फॉल्स हो या दोनों सही हो सकते हैं,
तो उस केस में हम काम में लेते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पाइप सिंबल को काम में लिया जाता है, दैट इज लॉजिकल और। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन? ना। थर्ड कैटेगरी दैट वी हैव इन लॉजिकल ऑपरेटर्स इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे लॉजिकल नॉट को कभी कभी लॉजिकल निगेशन भी कहा जाता है। अब निगेशन हमने अरिथमेटिक के अंदर भी पढ़ा था, उसका सिंबल क्या था? माइनस सिंबल। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल निगेशन का जो हमारे पास में सिंबल है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। अब निगेशन की ही तरह जो हमारे पास में लॉजिकल नॉट होता है वो भी यूनरी ही होता है, यानी कि अगर मुझे लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किसी एक वैल्यू को यूज करके हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। अब यहाँ पे सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो बुलियन वैल्यूज पे ही काम करते हैं, तो यहाँ पे ये भी बुलियन ही है। अब ये एक्चुअली में करता क्या है? ये हमारी सभी टाइप्स की वैल्यूज के रिजल्ट को, जो भी हमारा वैल्यू है उसके स्टेट को चेंज करने का काम करता है। स्टेट से मेरा मतलब क्या है? कभी भी हमारे पास में ट्रू वैल्यू है तो ये उस ट्रू के स्टेट को चेंज करके उसे फॉल्स बना देगा। कभी भी हमारे पास में कोई फॉल्स वैल्यू है तो ये उसे ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी वैल्यू का करंट स्टेट होता है उसको रिवर्स करने का ये काम करता है। देखिए निगेशन के अंदर हमारे पास में क्या हुआ था, जो अरिथमेटिक निगेशन था, प्लस वैल्यू को माइनस बना दिया, माइनस वैल्यू को प्लस बना दिया, लेकिन वैल्यू हमारी ट्रू ही रहती है, नॉन जीरो वैल्यू है, माइनस फोर हो चाहे फोर हो, दोनों नॉन जीरो वैल्यू हैं और दोनों ट्रू हैं। लेकिन लॉजिकल नॉट के केस में यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू है तो उसको ये फॉल्स बना देगा, और अगर फॉल्स वैल्यू है तो ये उसको ट्रू बना देगा। अब इम्प्लीमेंट कैसे होता है? जिस भी वैल्यू के साथ हमें काम करवाना है उस वैल्यू के आगे हमें एक्सक्लेमेशन सिंबल यहाँ पे लगाना होता है। तो अब यहाँ पे सेवन क्या है? इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू, यानी कि ये ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू के स्टेट को चेंज करके ये उसे फॉल्स बना देगा। तो जब हम पर्सन डे लिख के इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे जीरो हमारे पास में आउटपुट आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट में पर्सन डी कॉमा नॉट ऑफ जीरो लिख देती हूँ तो यहाँ पे जीरो क्या है? इट इज अ फॉल्स वैल्यू, और फॉल्स वैल्यू को ट्रू बनाने का काम करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो हमारी स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी वन, दैट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जो भी वैल्यू का करंट स्टेट है उसको रिवर्स करना। तो यहाँ पे लॉजिकल कैटेगरी के जो बेसिक तीन ऑपरेटर्स हैं वो हमारे ओवर हो गए हैं। एक्सप्रेशंस किस तरीके से सॉल्व होती हैं उसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि कुछ कुछ वेरिएशंस यहाँ पे आते हैं। पहले तीनों के अंदर अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आया या नेटवर्क की वजह से कुछ रह गया हो, देन प्लीज रेज हैंड। हर बारी हमने अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े हैं, हर ऑपरेटर के साथ में मैंने आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करवाई है। तो यहाँ पे भी मैंने वही एक्सप्रेशंस लिखे हैं, दो समझाने के लिए कि कैसे काम होता है और दो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैंने दिए हैं। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी कि किसका क्या आंसर आएगा और किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन पहले छोटे एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में नहीं लिया है। अगर हम कभी भी किसी भी तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, इन सब की प्रायोरिटी सेम रहती है। प्रायोरिटी सेम होने का मतलब अब क्या है? हम एसोसिएटिविटी को देखेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट अब हम देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या काम कर रहा है। पहले जो ऑपरेटर आया है पहले वो सॉल्व होगा, तो पहले अगर नॉट प्रेजेंट है तो नॉट सॉल्व होगा, पहले अगर एंड प्रेजेंट है तो एंड सॉल्व होगा, और प्रेजेंट है तो और सॉल्व होगा। ये तो काम हुआ तब जब सिर्फ हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लिया है। मान लीजिए लॉजिकल के साथ साथ मैंने रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी काम में ले लिया तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होते हैं और बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके की है, 7 is greater than 9 and 9 is greater than 3.
तो अब यहाँ पे दो हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो पहले ये रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, बाद में लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होगा। सेवन इज ग्रेटर देन नाइन, सेवन नाइन से बड़ा तो नहीं होता है, तो उस केस में हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी फॉल्स, तो यहाँ पे जीरो आया है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास में यहाँ पे ऑपरेटर है दैट इज नाइन इज ग्रेटर देन थ्री, तो ऑफकोर्स नाइन जो है वो थ्री से बड़ा होता है, तो इस केस में हमारे पास में आंसर आएगा वन। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेटर बाकी है, जीरो एंड वन। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जब दोनों वैल्यूज हमारे पास में ट्रू होंगी तब सिर्फ वन आएगा हमारे पास में एज आंसर, बाकी सारे केसेस में हमारे पास में फॉल्स आता है। तो इसी वजह से इस एक्सप्रेशन का जो हमारे पास में आंसर आया है दैट इज फॉल्स। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सेवन इज ग्रेटर देन टू और 90 इज लेस देन 80। अब फिर से दो रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, तो पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 2, ऑफकोर्स 7 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो ये वाला जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमें 1 एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है, 90 इज लेस देन 80, ये तो गलत है, 90 लेस देन थोड़ी होता है, 90 तो 80 से बड़ा होता है, तो ये वाला जो रिलेशनल ऑपरेटर है इट विल रिजल्ट इन 0। अब यहाँ पे 1 लॉजिकल और 0, लॉजिकल और क्या कहता है, या तो दोनों वैल्यूज हमारे पास में ट्रू हो या फिर कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो, उस केस में हमारा आंसर आता है वन। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका आंसर आया है वन। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं इसमें तो रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे जो दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स ही प्रेजेंट है, तो आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, नहीं होता है तो फिर मैं कल बताऊंगी कैसे होगा ये, एक बार ही ट्राई करना, प्रॉब्लम आए देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए इन एक्सप्रेशंस में कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज रेज हैंड।